पड़ेगा ना बेर कट के क्रेन में आता है कोपेट वायर है ये पड़ेगा 85 रुपये के जी। ये गैल्वेनाइज का है ये तुम्हें बंदी करने में आता है 14 mm का चाहिए 14 mm ओके 10 mm का है जी 12 का है इसका भाव पड़ जाएगा 75 75 हाँ इसका 85 हाँ इसका 90 रुपये ये सिविल है दोस्तों ये 450 रुपये के जी आता है जी। और इसका यूजेस कैसे रहता है सर? क्रेन में भी लगता है झूला में भी लगता है ओके दोस्तों ये है कैंची जापान की ये देखिए ये चैन काटने में काम आता है ओके दो टुकड़ा हो गया देखिए दोस्तों ये कैंची का ये काम है सर इसका रेट क्या रहेगा ये पड़ेगा 2700 रुपये पर पीस दोस्तों इसको बोलते हैं गलकप्पा हाँ ओके ये क्रेन में आता है इसमें लगता है रस्सा ऐसे ये ऐसे घूमता है ये घूमेगा ओके और ये पड़ जाएगा 160 रुपये के जी ये हुक है 11 टन का क्रॉसबी का कंपनी का ना हाँ और शिप से निकला हुआ शिप से निकला हुआ ओरिजिनल माल है प्राइस 160 रुपये के जी आएगा दोस्तों बम्पर ये आता है शिप खींचने में 140 रुपये के जी पड़ेगा 140 रुपये के जी ना दोस्तों इसको बोलते हैं तानिया शिप का माल है ओके ये पड़ जाएगा 140 रुपये के जी दोस्तों इसको बोलते हैं कप्पा ये भी क्रेन में आता है ये पड़ता है 100 रुपये के जी 100 रुपये पर के जी अंदाज से इसमें कितना वजन रहेगा ये पड़ जाएगा 10-11 के जी 10 में मतलब 1100 रुपये के आसपास एक नंग पड़ेगा इसको बोलते हैं वायर क्लिप हाँ 50 mm का है 50 mm का हाँ और ये क्रेन में किस जगह ऐसे ये वायर में लगता है हाँ। और इसमें कोई कंपनी आती है कि इसमें हर एक कंपनी आती है क्रॉसबी हुआ जी मेड इन जापान हुआ हर एक इसमें आता है ओके 12 mm का छोटा सा लगाए बड़ा तक मिल जाएगा 20, 22, 25, 50 जो भी है सब मिल जाएगा ओके और रेट की बात करें तो सर ये पड़ जाएगा 180 रुपये के जी 180 रुपये पर के जी और अंदर से वजन अंजाज से वजन तो हर एक माल का अलग अलग वजन आता है मतलब आपके ख्याल से इसमें कितना लगेगा ये पाँच हाँ 4-5 के जी होगा ये वो देखिए साहब ये है रेची इसको ऐसे टाइट करते हैं ऐसे ये कहाँ पे यूज़ कहाँ पे आता है ये ट्रक में आता है जैसे माल वगैरह जकड़ने में हाँ जकड़ने में और फिर टाइट करने में हाँ जो बड़ा बड़ा कंटेनर जाता है ट्रक से ओके उसमें जो चैन लगा रहता है उसमें ऐसे टाइट करते हैं इसको ओके हाँ और ये प्राइस क्या रहेगा सर इसका प्राइस 120 रुपये के जी आएगा पर के जी ऊपर हाँ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी मशीनरी की चीज़ है ना आपको किलो पे मिलने वाली अगर यही चीज़ आपको नया लेने जाओगे तो आपको मेरे ख्याल से बहुत ही महंगा पड़ेगा मेरे ख्याल से ये नए में अगर कोई लेने जाएगा तो इसका प्राइस क्या रहेगा इसका प्राइस 300 रुपये के जी आएगा तब नए में जी दोस्तों आपको सेकंड हैंड चीज़ बहुत ही सस्ता मिल रहा है और दूसरी चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है अलग में से निकली हुई और स्पेयर पार्ट की चीज़ सबसे बेस्ट रहे तो एक हुक है क्रॉसबी का 45 टन का बड़ा वाला क्रेन में लगता है प्राइस ये आएगा 160 रुपये के जी ये 3 टन का है लंबा चैन आएगा इसमें इंडप का ये पड़ेगा 6500 रुपये का 6500 रुपये और नेक्स्ट सर नेक्स्ट 5 टन का है ओके और कंपनी कौन सी देगी स्पीड ओके इसमें चैन कितना रहेगा ये पड़ेगा 15 मीटर 15 मीटर हाँ और इसकी प्राइस क्या रहेगी ये पड़ेगा 8500 रुपये का 8500 रुपये का हाँ जी तो इसमें तो बहुत सारी कंपनी आती होगी ना अलग अलग कंपनी अलग अलग और आपके पास कितने टन के तक मिल जाएंगे चेन कंपा 10 से लगाए 20 टन तक इसको कड़ा बोलते हैं हाइड्रा में लगता है ऐसे हाइड्रा में लगता है ना हाँ इसमें दो चेन लगा रहता है ओके ये पड़ जाएगा 140 रुपये के जी
140 रुपया के जी। लोडिंग बेल्ट है मेरे पास, 10 टन 20 टन मिल जाएगा पट्टा। ये 3 टन का है, 500 रुपया पीस आता है। ये 3 टन में लंबाई कितनी आती है? ये 15 फीट आएगी। ये 15 फीट का आएगा। हाँ। ओके। और ये देखिए, ये 300 रुपया पीस आएगा। और ये 300 रुपया पीस आएगा। ये पड़ेगा 10 फीट का। 10 फीट का। हाँ। और 3 फीट के बाद आपके पास कौन सा है? 5 फीट का। ओ, 5 टन का। 5 टन का। 5 टन का। इसकी लंबाई? इसकी लंबाई पड़ेगी ये 30 फीट की। 30 फीट। हाँ। ओके। फिर उसके बाद 3 टन का है ये। उसके बाद 10 टन का है। 10 टन का। हाँ। उसके बाद 20 टन का है। ओके। और 10 टन और 20 टन के रेट सर? ये 150 रुपये के जी पड़ेगा। ओके। 10 टन का? 10 टन का भी। 10 टन दोनों का एक ही। ओके। मतलब ये आपके पास 3 टन से लेके 20 टन तक हर लोडिंग बेल्ट जो क्रेन में यूज होता है लोडिंग के लिए। हाँ। वो बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जिसका अलग अलग रेट रहेगा, 150 रुपया किसी का पीस पे है तो किसी पे केजी पे रेट। हाँ। है। सर आपकी शॉप का नाम? साहिल ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 8, अलंग, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, गुजरात। हाँ, और एक हमारा क्वेश्चन रहेगा। हाँ। कि आपके पास क्रेन के रिलेटेड कौन से आइटम मिलेगी? सिविल मिल जाएगा, वायर मिल जाएगा, वायर क्लिप मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा। ये छोटे बड़े सब मिल जाएगा। बहुत ही सारे स्पेयर पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, जो क्रेन के रिलेटेड है वो स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक बात दोस्तों, अगर आप वीडियो देख के कोई भी ऑर्डर कर सकते हो तो कोई भी जगह हम कुरियर कर देंगे। कुरियर आप करते हो ना? हाँ, कहीं भी कुरियर अवेलेबल है जी। कहीं भी ट्रांसपोर्ट से या कुरियर से आपको छोटी बड़ी चीज, आप जहां रहते हो उस जगह पर हम पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और एक बात कि आपको जो ट्रांसपोर्ट और जो कुरियर का खर्चा रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा जी। दोस्तों क्रेन के रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट आपको यहां से, ये सर जो साहिल ट्रेडर्स वाले हैं वो आपको यहाँ से कुरियर कर देंगे और आपको कुरियर और ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना पड़ेगा।